हेलो फ्रेंड्स, सतीश इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग वर्क्स में आपका स्वागत है। मैं आज एक आरओ का पंप मोटर बनाने जा रहा हूं, जो आप लोग देखिए और बिल्कुल बड़ी अच्छी तरीके से देखिएगा, ताकि इसमें आप बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मोटर पानी नहीं देता है, तो टेक्नीशियन बोलते हैं कि मोटर चेंज कीजिए, मोटर ख़राब हो गया। हालाँकि मोटर जबकि ख़राब होता नहीं है, तो इस वीडियो में मैं पूरा इसका रिपेयरिंग करके दिखाऊँगा कि किस तरह ये मोटर बनता है। और आप ध्यान से देखिए और आप भी खुद ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये हेड होता है, तो हेड को सबसे पहले हमें खोलना है। तो हेड खोलने के लिए हमें देखिए यहाँ स्क्रू दिखाया गया है, जो एक दो और ये तीन, ये स्क्रू को ही खोलना है। ये बिल्कुल चार स्क्रू इसी तरह रहेंगी। तो हमने स्क्रू को खोलने हैं, तो हमने ये देख सकते हैं पूरी नट को खोल दिए हुए हैं। खोलने के बाद ये स्क्रू देख सकते हैं आप, जो यहाँ पर निकाल लिए हुए हैं। और स्क्रू निकालने के बाद किसी किसी में ये पूरी टाइट होता है, तो इसको हमको किसी से हल्का सा धक्का देकर निकालना पड़ता है। मगर मेरा ये हो सकता है हल्का सा फ्री है, इस तरह से निकल जाता है। और निकलने के बाद ये अलग हो गया। अगर पानी कम दे रहा है तो ये आप हेड चेंज कीजिएगा, मोटर आपका ओके हो जाएगा। अगर मोटर नहीं चल रहा है दोस्तों, तो मोटर नहीं चल रहा है तो इसके लिए आपको पीछे से ये दो स्क्रू हर मोटर में होता है जो आपको खोलना है। तो मैं ये मोटर खोलने जा रहा हूँ। हमने ये स्क्रू खोल लिए हैं दो, और इसको हमने बाहर करेंगे। तो स्क्रू बाहर कर रहे हैं, इसके साथ ये देख सकते हैं स्क्रू बाहर हो गया। और ये मेरा मोटर रह गया, मोटर का ये आर्मेचर है देख सकते हैं आप, जो बिल्कुल अभी सही है। और इसके अंदर एक मैग्नेट होता है, ये जो है जो ये मैग्नेट होता है, इसमें चुम्बकीय होता है आप देख सकते हैं, जो ये देखिए पकड़ रहा है। और इसी के मैग्नेट से ये चलता है, ये जो डीसी 24 वोल्ट है मेरा, ये इसी पर चलेगा। और इसमें कार्बन, और अगर मोटर जब ख़राब हो जाता है तो ये आर्मेचर हुआ दोस्तों, जो कभी ख़राब जल्दी नहीं होता है। उसके बाद जब मोटर नहीं चलता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला तो इसमें कार्बन ख़राब होता है, जो ये कार्बन है, ये कार्बन ख़राब होता है। आप मार्केट से कार्बन लेकर मोटर में लगा लीजिए, आपका मोटर फिर बिल्कुल एकदम नया हो जाएगा। और दूसरा है कि ये डाइवोल्ट काम नहीं करता है, तो डाइवोल्ट भी आप मार्केट से लेकर लगा सकते हैं, आपका मोटर ओके हो जाएगा। आपको नया मोटर लगाने की नहीं ज़रूरत नहीं है, ये 100-150 में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो आप किसी भी टेक्नीशियन के अभाव में न पड़े कि हाँ मोटर ख़राब है तो हमें नया ही चेंज करना, आप इसे रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, जो ये मोटर है यहाँ से आप इसको कॉइल को बाहर भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर मेरा बैरिंग फंसा हुआ है, बैरिंग को निकालेंगे तो फिर इसको आर्मेचर को मैं बाहर करूँगा, आपको दिखाऊँगा। तो हमने ये देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से निकाल लिया, इसमें मैग्नेट होता है, देखिए ये पकड़ रहा है किस तरह। और ये मेरा आर्मेचर हुआ जो हमने निकाल लिए हुए हैं, ये बैक कवर हो गया और ये हेड हो गया, जो फ्रंट कवर हो गया। अब इसको देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल आसानी से अच्छी तरह फिटिंग कर सकते हैं। और हमको क्या करना है, सबसे पहले जो हमें इसको इसके अंदर डालना है, तो ये मैग्नेट होता है जो टांगता है, तो टांगता है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको सीधो देखना है। तो ये नीचे का एरिया हुई है, ऊपर का एरिया हो गया, तो हमें ऊपर के एरिया के इसको अब असेंबली करने जा रहे हैं, यानी फिटिंग करने। तो इसको पूरी तरीके से देख कर और अच्छा से लगाना है, क्योंकि इसमें मैग्नेट होता है जो इधर उधर उसको टांगता है, अनबैलेंस करता है। देखिए तो इसको बिल्कुल सही से लगाना है, हाथ कटने का भी डर रहता है। तो ये हमने इसे लगा दिया, लगाने के बाद इसको पूरी तरीके से इसमें बिल्कुल फंसा लिए। ये मेरा हो गया, देख सकते हैं ये किधर इधर उधर टांग रखा है। और ये जब हो जाने के बाद क्या करेंगे कि हमने इसको देखिए, ये कार्बन है, कार्बन को हमें पकड़ना होता है ताकि यहाँ तक चला जाए। तो कार्बन को इस तरफ पकड़ के और बिल्कुल हमको इसको सोझे लगाना है, सामने सामने लगाना है। तो हमको इस तरह पकड़ना है, और पकड़ने के बाद हमको लगाना है। तो हमने इसको बैठा लिया है, और मैं इसको ये पेच को इसमें अब कसेंगे। तो फिट करने के लिए इसको पूरी मतलब ताकत की तरह इस तरह से पकड़ना पड़ता है, क्या है कि इसके अंदर मैग्नेट होता है। तो मैग्नेट क्या होता है कि इसको इधर उधर टांगने लगता है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा अंदर कर देता हूँ, क्योंकि इसमें जैसे कि गुना होता है तो गुना कसना पड़ता है। तो गुना को हल्का कसता हूँ इस मुँह पर, तो ये हमने कस रहा हूँ।
तो ये बिल्कुल तरह हो गया। तो इसको हमको पूरी बारीकी तरीके से देख के लगाना है, ताकि ये क्या होता है कि मैग्नेट इसके अंदर होता है जो इधर उधर टानने लगता है। देख सकते हैं ये स्क्रू है, और यहाँ पर ये आएगा, दो पेच रहता है। तो एक पेच को मैंने लगा लिया है बिल्कुल सही से, और फिर मैं दूसरा पेच को लगाने जा रहा हूँ। दूसरा पेच भी लग गया, और इसको देखना है। देखिए मैग्नेट जो है इधर उधर टानता है, इसलिए हमको बिल्कुल बढ़िया तरीक़े से देख के लगाना है। देख सकते हैं मैग्नेट इधर उधर टान रहा है। अब ये मेरा नट इधर आ गया हुआ, अब इसको हम फुल्ली तरीके से टाइट करेंगे। दोस्तों ये नट को जितना हो सके टाइट कर देना देना पड़ता है, ताकि ये बाद में मशीन वाइब्रेट नहीं करेगा। अगर फुल्ली टाइट नहीं होगी तो मशीन वाइब्रेट करेगा और आपका आर्मेचर जल्दी चल जाएगा, इसलिए हमको फुल्ली टाइट करना है। उसके बाद ये हेड है, हम हेड को इसमें फिट करेंगे। हेड फिट करने के लिए हमको इस तरह का बैरिंग रहता है, जो हम इसमें इस तरह का बैरिंग को लगा देंगे। हमने इस तरह का बैरिंग इसमें लगा दिए, ये पुश हो गया, देख सकते हैं ये बैरिंग पुश हो गया। उसके बाद ये हेड है, हेड इस तरह का मार्केट में आपको मिल जाएगा। अगर पानी नहीं दे रहा है मशीन तो इस तरह का हेड ले लीजिए आप मोटर के हिसाब से, और हेड को लेकर और आप सही से इसी तरह फिट कर सकते हैं। और फिट होने के बाद इसमें आप स्क्रू को बारीकी तरीके से और फुल्ली टाइट करें, ताकि आपका पानी जो है जो लीक ना करे। तो ये अब बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट कर चुके हैं, मेरा मोटर चलने के लिए रेडी हो गया। तो दोस्तों इस तरह का अगर आप लोग को कभी कठिनाई हो या प्रॉब्लम हो, तो हमें इसी नंबर पे कॉल करके और आप हमसे संपर्क करके और आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, और ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी टेक्नीशियन का ज़रूरत नहीं होगा। जब भी अगर आपके आर ओ वगैरह में प्रॉब्लम हो तो हमें निफिक्र कॉल करके और सलाह ले सकते हैं, और आप खुद भी काम कर सकते हैं आर ओ का। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद करता हूं, और सो मच, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।